से करेंगे। अब बेटर फ्राई करने के लिए थोड़ा उसके बेटर बनाएंगे नमक को स्वाद अनुसार, फिर हम बाद में मसाला में भी डालेंगे। अरारोट पाउडर 2 टेबल स्पून, मैदा 3 टेबल स्पून, और पानी आधा ग्लास। इसमें डालेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कढ़ाई में तेल रखिए, उसके बाद में एक एक पीस करके इसमें अच्छी तरह से डीप फ्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारा भिंडी अभी फ्राई हो चुका है, हमें सब बाद में हल्का सा जीरा, बाद में लहसुन चॉप, अदरक चॉप और हरी मिर्च या लाल मिर्च चॉप, उसके बाद में ऑनियन प्याज चॉप। उसके बाद में एक टमाटर, टमाटर थोड़ा कम डालिएगा। उसके बाद में दही, हल्का सा लाल मिर्च उतना ही डालिएगा जितना आपके घर में यूज होते हो, और हल्का सा कोरिएंडर पाउडर। स्वाद अनुसार और इसे 1 मिनट तक भूनते रहिए। ठीक है, हमारा भिंडी मसाला रेडी हो चुका है, हम डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमारा अभी भिंडी मसाला रेडी हो चुका है, अब हम इसे गरम गरम परोसेंगे।